Making time out from his busy Delhi schedule, joining with us right now is the Chief Minister of Jharkhand, Mr. Hemant Soren. Sir, thank you for speaking with Aaj Tak and India Today. Sir, पहला सवाल आपसे ये, आप दिल्ली दौरे पे है, राज्यसभा चुनाव को लेकर ही बातचीत हुई होगी. आपने बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि कंसेंसस है, लेकिन अभी उम्मीदवार का नाम आप लोग घोषणा नहीं करेंगे. लेमैन टर्म में सर, अगर आप समझा पाए कि क्यों कंसेंसस होने के बावजूद भी अलायंस पार्टनर्स में ऐसे जगह हम देरी देखते हैं. देखिए, जैसे अदर टीम जितनी जिलेबी बुनती है अपने बातों में, उतना हम नहीं लपेट सकते. मैं तो ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत अपनी बातों को रखता हूं, और इससे ज्यादा इजी सिंप्लीफाई कह लें या जो भी कह लें, और इससे बढ़िया तो और मैं क्या बताऊं. जो है कि क्योंकि ये सारे थोड़ा पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल ये चलते हैं राजनीतिक कारणों से, समय को लेकर हमारे विरोधी भी इस पे सक्रिय हैं, उन सबको देखकर एक टाइम पर चीजें प्लेस होती हैं, और उसी के तहत ये चीजें होंगी भी. लेकिन अलायंस में कोई टकरार नहीं, सब कुछ स्मूथ है, और हम कुछ ही दिनों में वो अभी भविष्यवाणी करने से क्या फायदा. मैं कोई पामिस्ट हूं नहीं, आप भी कोई पामिस्ट तो है नहीं, लेकिन कंसेंसस है. और बस दो दिन की तो बात है, तो अब देख लेंगे. तो कयासों पर हम लोग नहीं जीतते, और ना सोचते हैं ना विचारते हैं, जो सामने है उसके साथ चलते हैं. सर, विरोधी की बात करें तो बीजेपी बार बार आपके सर, जो रिसेंटली हम देख चुके हैं कि ईडी की कार्रवाई हो, मनरेगा के बारे में भी आपने बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की. आपको क्या लगता है कि जो सिचुएशन है, क्योंकि आपने एनसीबी की हाल ही में जो आर्यन खान के मामले को लेके बोला कि हम देख पाएंगे कि ईडी की जांच में भी कुछ ऐसा ही निकलेगा, ये क्यों लगता है? आप देख लीजिए, आज इन लोगों ने जब से ये संस्था स्थापित हुई है कितने इन लोगों ने पहाड़ तोड़े हैं, जरा जरा ये भी बता दे. आज ईडी हमारे यहाँ छापा, हमारे मेरे यहाँ तो छापा नहीं पड़ा. ये तो सरकार के पुराने जो इनके इन्हीं के द्वारा इन्हीं के पीरियड का कोई घोटाला को लेकर के ईडी की छापा चल रही है. अब पता नहीं क्या लॉ है क्या नहीं है, कब तक का इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिलता है. किसी की लाइफ होगी ना भाई, किसी चीज को तो लाइफ है. अब चूंकि वर्तमान स्थिति ऐसा है कि 5000 साल पीछे भी ये जा करके इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो लेट्स कम, आने दीजिए. सर, लेकिन इसी आईएएस ऑफिसर को लिंक करते वो ये कह रहे हैं कि माइनिंग लीज मिलने में आपको मदद की गई थी, कोई सच्चाई अगर स्पष्ट तरीके से आप हमें बताएं. मैं कोई कानूनी, मैं वकील नहीं हूं ना जज हूं. मुझे लगता है ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन पर है, और खासकर बीजेपी के तो ऑफिस में सारा लगा हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप उनसे आप प्रति ले सकते हैं, और किसी लीगल के पास आप जा सकते हैं. आप उनसे जरा पूछ लीजिए कि भाई इसमें कहाँ तक क्या लगता है, सजा होगा कि नहीं होगा. तो मैं तो बोलूंगा ही कि ना, मुझे कुछ नहीं होने वाला है. लेकिन यू हैव एविडेंस, आपके पास एविडेंस. लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, या मैं ओवर कॉन्फिडेंस होके बोलता हूँ, या कुछ करूंगा, ऐसा कुछ आपको लगेगा. इसके लिए मुझे इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है, गलत है. मैं अपना लीगल ओपिनियन लेकर के जवाब दूंगा, जो होगा जहां हमको उसका जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म में जाके जवाब देनी है, मैं वहां दूंगा. और अगर मेरे जवाब में सच्चाई है या कार्रवाई में कोई गड़बड़ी है तो निर्णय आएगा. बहुत सारे, इसीलिए तो सारे प्लेसेस हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कई जगह पर लोग ऐसे ही चीजों को किसी पर थोप नहीं सकते.
ठीक है, तो इसकी लड़ाई हम कानूनी लड़ाई भी उसी मजबूती से लड़ेंगे जितनी राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। सर, अभी जो सिचुएशन भी देश में है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंदिर मस्जिद खोदने की बात भी की, तो ये जो चीज हम देख रहे हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि उन्होंने पिछले जितने सालों में उन्होंने राजनीति किया है, उन्होंने कभी देश को झुकने नहीं दिया है, तो आप क्या कहेंगे अभी? झुकने तो नहीं दिया, लेकिन देश बिक तो गया ना भाई, बचा क्या। अब इस देश में गरीबी कितनी है आपको पता है? और इन गरीबों के बारे में कौन सोचेगा? आज पांचों उंगली एक बराबर नहीं है। आज झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, कई स्टेट भी आदिवासी बहुल स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, जिसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा प्राप्त। आप वहाँ के आदिवासियों को आप उसके जो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सर्वेक्षण करा लीजिए, और झारखंड के आदिवासियों का आर्थिक सर्वेक्षण करा लीजिए, राजनीतिक सर्वेक्षण करा लीजिए, सामाजिक सर्वेक्षण करा लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आज के दिन में भी डिफरेंसेस कितने हैं। और आज इस असमानताओं में आप सोचेंगे कि सब नॉर्मल है, तो वो दिन दूर नहीं जब देश के अंदर इसी तरीके से, क्योंकि हमारा इस देश का लोकतंत्र का एक ऐसा इतिहास रहा है, यहाँ का फेडरल स्ट्रक्चर इतनी मजबूत रही है कि इसका लोग दुनिया में लोहा मानते थे। आज एक एक करके एक एक ईंटा निकल रहा है, भविष्य में क्या होगा देश का ये हमको नहीं पता, लेकिन जो संकेत दिखते हैं ये बहुत अच्छे होंगे, इसकी उम्मीद कम। आज महंगाई पर कोई चर्चा नहीं, आज बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं, ये बात सही है कि आज आप जो कर रहे हैं ये चीजें आम लोगों को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें में इतनी मिठास भी शरीर को नुकसान कर जाता है। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि मंदिर मस्जिद की जो बार बार नहीं, बातचीत बहुत होती है सारी चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें महंगाई को दबाने के लिए और ये इस चीजों को छुपाने के लिए की जा रही है? वो देखिए, मंदिर मस्जिद का विषय तो इनका उसी से तो इस दल का जन्म हुआ है, और ये छूटा तो इनकी दुकानदारी बंद। ये पूरी सियासत पॉलिटिक्स है, लोगों के लिए सोच नहीं है क्योंकि ये पॉलिटिक्स में और रहना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरी चीजों पर अगर आप देखें तो आप हमें बताइए ना कि आज जो प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने से पहले पहले इनका जो भाषण हुआ करता था महंगाई पर, क्या जबरदस्त भाषण! लेकिन महंगाई जब बढ़ी है उसके बाद, तो आज चीजें ऐसा नहीं है, लोग हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं, उस समय पर उचित जगह पर बात रखी जाएगी और उसकी भी जरूरत पड़ेगी। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप जेएमएम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आदिवासीज और ट्राइबल्स के बारे में बार बार कहते हैं, जो सरना कोर्ट की बात आप कह रहे हैं वो ना कि सिर्फ झारखंड के ट्राइबल्स को बेनिफिट करेंगे, लेकिन कई ऐसे जगह है जैसे यूपी में कोल आदिवासीज को एसटी के दर्जा नहीं दिया जाता है, तो ये जो मुद्दे है वो भी कहीं ना कहीं सुलझेंगे, तो क्या जेएमएम कुछ सेंट्रल तौर पर या फिर कुछ और स्ट्रांगली कोई स्टेप लेगा ताकि इस चीज को आगे बढ़ाने पर कोई दबाव सेंटर पर डाली जाए? तो आज हमारे यहाँ जो उछल कूद हमें
हमारी छवि को, हमारे सरकार की छवि को जो इन लोग खराब करने का एक जो षड्यंत्र रचे हुए हैं, वो उसका रीजन क्या है? इनको पता है कि आज देश में कितने ऐसे नेता हैं या राजनेता हैं या मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं जो आज बीजेपी से इतर अपनी वजूद रखता हूं, या राष्ट्र दलों से अलग अपना वजूद रखता हूं, कितने हैं? आप जब देख लेंगे तो आपको भी उसमें हैरानी होगी। हम लोग अपने वजूद, अपने संघर्ष और अपना बलिदान के नींव पर खड़ा रखते हैं। तो हमारी जड़े को हिलाने के लिए इनको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। वी विल वर्क फॉर द कास्ट सेंसस सर, लाइक ताकि इसके बारे में हाँ और हाँ आप लोग स्ट्रांगली बोलेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी हमारे डेलीगेट्स आएगा राष्ट्रपति भवन, कब सर? अगर आप अभी बहुत टेंटेटिव टेंटेटिव, बहुत जल्दी है, नेक्स्ट मंथ ये शेड्यूल कर रहे हैं कि यहाँ आएंगे। कास्ट सेंसस में बातचीत करने के लिए हमने सरना कोड भेजा है, उसको आप इम्प्लीमेंट करो, या कोई रास्ता है उसको डिस्कशन के टेबल में लाओ, थैंक यू। पार्लियामेंट में लाओ। थैंक यू सर। सो दैट वॉज अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट वॉज गिवन बाय द झारखंड चीफ मिनिस्टर। ही सेज अ डेलीगेशन सून विल ऑल्सो बी कमिंग टू द राष्ट्रपति भवन टू स्पीक अबाउट द कास्ट सेंसस सो दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। विद वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत, दिस इज श्रेया चैटर्जी फॉर इंडिया टुडे।